आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं DHFL शेयर के बारे में। आज से पिछले 3 दिन पहले हमने थंबनेल पे लगा के कह दिया था कि ये शेयर का वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन नहीं, मानना कहाँ है, करना वही है जो करना नहीं चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि एज अ व्यूअर ऑफ माई यूट्यूब चैनल, एज अ व्यूअर ऑफ माई ऑल एपिसोड, आपने ये मिस्टेक नहीं किया होगा। आइए आज के इस एपिसोड में हम जानते हैं कि ऐसा कौन सा मिस्टेक था जिसके कारण आपके DHFL में क्या गया, निवेश आज 0 हो गया। डूइंग मिस्टेक इज ओके, बट रिपीटिंग योर सेम मिस्टेक इज नॉट ओके। आइए आज के इस एपिसोड में जानते हैं। हाय, दिस साइड प्रियरंजन एंड यू आर वॉचिंग ट्रेडर्स ड्रीम। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड। हमने जितने भी हमारे व्यूअर हैं YouTube हमारे एपिसोड के साथ में ही, जितने भी पब्लिक ग्रुप, पेड ग्रुप, हमने हर किसी को इंडिविजुअली ये मैसेज किया था कि इस स्टॉक को छोड़ देना है। मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि ट्रेंडिंग स्टॉक जो भी है उसको अवॉइड करो। पेनी स्टॉक्स के ट्रेंडिंग स्टॉक में बनाने को आप 100-200% कमा सकते हैं, लेकिन जब आप गवाएंगे तो आपका कैपिटल 0 हो जाएगा। इवन यहां तक कि हमने अपने थंबनेल पे इसका प्राइस 0 लिख दिया, लेकिन आपने मानना कहां है, आपने करना वही है जो नहीं करना चाहिए था। हमने कहा था कि ये जो NCLT से पिरामल इंटरप्राइजेस ने एक्वायर किया है, उसमें जो भी इसके प्रमोटर हैं या जो भी इसके इक्विटी इन्वेस्टर है उसको पार्टिसिपेट नहीं किया है, उसको वैल्यू 0 दी है। लेकिन आपने न्यूज को गलत समझा, आपको लगा कि DHFL के शेयर के बदले आपको पिरामल इंटरप्राइजेस के शेयर मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमवार यानी अगले 14 तारीख को ये स्टॉक NSE और BSE से डिलिस्ट हो जाएगा, आपको इस स्टॉक को देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं हमेशा कहता हूं, आगे कभी जिंदगी में ऐसी गलती मत करना कि पैनी ट्रेंडिंग स्टॉक को बाई करना। अरे बाइंग करने के लिए तो पूरा मार्केट है, 5000 से ज्यादा शेयर्स हैं, क्यों उसी शेयर में फंसना, एक ही रात में क्यों करोड़पति बनना। अपने को सबसे पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, फिर जाकर के कैपिटल को एप्रिसिएट करना है, क्योंकि जब तक कैपिटल प्रोटेक्ट ही नहीं होगा तो एप्रिसिएट क्या होगा। इसीलिए हमेशा से मेरा ये मानना है कि जितने भी हमारे व्यूअर हैं उनको अवेयर करना है, उनको बचा के चलना है, ऐसी कोई गलती ना कर दे जिससे कि 1 रुपये की भी लॉस हो जाए। तो हमेशा हर एपिसोड से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहेंगे तो हर एपिसोड में आप कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीखना चाहेंगे तो हर एपिसोड जो हम आपको YouTube वीडियो के माध्यम से देते हैं वो आपके लिए वैल्यूएबल होगा और उससे आप रिटर्न कमाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप ये स्टॉक नहीं बाय किए होंगे और आपका 1 रुपया भी इस स्टॉक के अंदर नहीं डूबा होगा। अगर आपने पैसा डूबोया है इस स्टॉक के अंदर तो कोई बात नहीं, लेकिन इस गलती से सीख के आगे जिंदगी में कभी ऐसा गलती मत करना, क्योंकि हार्ड अर्न मनी हमें स्टॉक मार्केट में अप्रिशिएट करने के लिए आते हैं, ना कि अपने पैसे को बर्बाद करने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही।